केंद्र सरकार द्वारा आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी की अनुमति देने के विरोध में शुक्रवार को जींद में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जुड़े डॉक्टरों ने अपने अपने निजी अस्पतालों में कामकाज बंद रख विरोध जताया। इनमें केवल इमरजेंसी सेवाएं ही जारी रही। डॉक्टरों ने आईएमए के प्रधान डॉक्टर अजय गोयल व महासचिव डॉक्टर सुशील मंगला की अगुवाई में डीसी डॉक्टर आदित्य दहिया को ज्ञापन भी सौंपा। आईएमए के राष्ट्रीय आह्वान पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत शुक्रवार सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक डॉक्टरों ने अपने अस्पतालों में हड़ताल रखी, किसी भी तरह की ओपीडी सेवाएं नहीं की। इस दौरान महासचिव डॉक्टर सुशील मंगला ने कहा कि भारत सरकार द्वारा मॉडर्न मेडिसिन पर अवैध अतिक्रमण उन्हें नामंजूर है। देखें जींद से भव्य सैनी की यह रिपोर्ट। हम आज डीसी साहब को हमने एक ज्ञापन दिया है। आज पूरे इंडिया के, भारतवर्ष के सभी आईएमए से कंसर्न जितने भी एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं सभी आज हड़ताल पर हैं। सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ये हड़ताल हमारी सीसीआईएम के द्वारा जो एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें आयुर्वेद के बाद आयुर्वेद के जो कैंडिडेट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको 2 साल की ट्रेनिंग करने के बाद 58 जटिल सर्जरीज के लिए अधिकृत रूप से उनको अलाउ कर दिया है कि वो सर्जरी कर सकते हैं। हमारा विरोध इस चीज़ के लिए है कि ये जनमानस के लिए आगे भविष्य में बहुत ही खतरनाक साबित होगा, क्योंकि जो मॉडर्न मेडिसिन में हम लोग जो कोर्स करते हैं वो MBBS के 5.5 साल लगाने पड़ते हैं, उसके बाद MS के 3 साल लगाने पड़ते हैं, फिर सुपर स्पेशलाइजेशन में जाने के लिए 3 साल फिर लगाने पड़ते हैं, और उसके बाद भी आप इतने कॉम्पिटेंट नहीं हो पाते क्योंकि रिजल्ट्स आर नॉट इन योर हैंड कि आप सब कुछ एक कर सकें। ये सुपर स्पेशलाइजेशन में केवल एक के लिए आप अपने आप को ट्रेन करते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 साल के कोर्स के बाद आपको 58 प्रकार की जटिल सर्जरीज के लिए अधिकृत किया जा रहा है, जिसमें डेंटल भी आप कर सकते हैं, कैंसर के ऑपरेशन आप कर सकते हैं, नाक कान गले के ऑपरेशन आप कर सकते हैं, पेट के ऑपरेशन आप कर सकते हैं, जो कि गरीब लोगों के लिए आने वाली जनरेशन में जो आगे होंगे उनके लिए बहुत ही घातक होगा। अगर मांग पूरी नहीं जाके किस तरह आंदोलन करेगा? ये तो हमारी जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जो हेडक्वार्टर से जो भी आगे हमारे को आदेश होंगे, निर्देश होंगे, हम उनका आगे पालन करेंगे। आगे देखते हैं हमारे आंदोलन की क्या रूपरेखा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।